तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। ये सोनी का 33 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें प्रॉब्लम देखिए, ये डबल इमेज का प्रॉब्लम है, फ्रीजिंग मोड का प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चीज के, हम आपको बताएंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड हम आपको बताएंगे कैसे रिपेयर होगा, कहाँ से ठीक होगा। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। देखिए इसका सोनी का 32 इंच का है, 32W700 है। इसका कंडीशन देख लीजिए, इसका कंडीशन थोड़ा सा डैमेज है, जंग लगा हुआ है। तो चलिए इसको ढक्कन हटा के हम लोग देखते हैं। देखिए इसका मदरबोर्ड देखिए और इसका इन्वर्टर कार्ड, ये अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड करके, सोनी ज़्यादातर ऐसे ही अलग अलग डिवाइड करके बनाता है। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे ठीक होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए इसका पैनल भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका पैनल देखिए, सॉरी स्केलर देखिए, और स्केलर का मॉडल नंबर देखिए। और एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, नॉर्मल से रिपेयर होगा, ये नॉर्मल तरीका से रिपेयर होगा, सब कुछ बताएंगे आपको हम। देखिए देख रहे एच एवीडीडी वीसीसी, ये सब वोल्टेज इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम आपको बताएंगे। मॉडल नंबर देख लीजिए, ये मॉडल नंबर है, गाड़ी दुखाए लगी इसका, का ही ना ये डिस्प्ले है, इस कलर जो है एयू का ही आईसी यूज किया है। इनोलॉक्स का जो आता है डिस्प्ले, वो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एयू का जो आता है ये थोड़ा सा इजी होता है रिपेयर करने में, ये रिपेयर हो भी जाता है। लेकिन इनोलॉक्स का जो पैनल आते हैं वो बहुत मुश्किल से रिपेयर होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ इसका जो पार्ट्स है, इसका डीसी टू डीसी आईसी नंबर हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, जो आप लोग स्टॉप का रुक कर देख सकते हैं। और ये जो सब कौन सा आईसी है, ये लेवल सेक्टर आईसी है। आपको ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है, इसी आईसी पर आपको ध्यान देना है। ये क्या किया है, इसका डीसी टू डीसी आईसी ये हर एक सेक्शन को अलग कर दिया, गामा सेक्टर अलग कर दिया है, डीसी टू डीसी आईसी वाला जो है उसका लेवल सेक्टर आईसी को अलग कर दिया है। ये लेवल सेक्टर आईसी है, इसी का प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, इसी के प्रॉब्लम से सब पिक्चर आता है। इसको कैसे हम लोग बाईपास करेंगे, दरअसल आप इसका भी नहीं प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो ऑड इवन के जो कुछ पॉइंट होते हैं शॉर्ट हो जाने के कारण से सब पिक्चर आता है, उसको कैसे बाईपास करेंगे। देखिए LC1 LC2 या अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। LG के पैनल में आपको ऑड इवन लिख के आता है, AU के पैनल में LC1 LC2 आता है, सैमसंग के पैनल में HC1 आता है, HC2 करके कुछ ऐसे अलग अलग नाम से आते हैं, जो आपको फाइंड करना होगा। वो जो सामने जब आपके डिस्प्ले रहेगा तो उस टाइम आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे आपको मीटर का प्रोड लगाकर आपको रख रहना है, अगर एक सेकंड में VGL हो रहा है और एक सेकंड के बाद VGH हो रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑड इवन वाले जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट है। देखिए इस पर भी आपको सेम प्रक्रिया करना है, उसे तो आपको ट्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखिए देखिए VGL 11 वोल्ट, VGH 36 वोल्ट, ऐसे करके वो एक एक सेकंड पर चेंज होता रहता है। जिस प्रकार से ग्राफ बनता है वैसे उसका भी वोल्टेज अप डाउन करता है। ये लेवल सेक्टर का आईसी का जो है इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। हम इस पर जो ये देख रहे हैं यहाँ कट कर दिए, ये जो आईसी का अंदर जो सप्लाई आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर दिए। और इसमें जो R26 R25 जो रजिस्टेंस होते हैं एक गामा के सेक्शन में, एक गामा सेक्शन आप देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, एक गामा सेक्शन है, गामा की जो सप्लाई है गामा से थोड़ा सा बाहर है,
इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देना है, एक पॉइंट से आपको इसको ओपन कर देना है ताकि पिक्चर में जो फ्लिकरिंग आती है वो थोड़ा बेटर लेवल का आए, जो पिक्चर आए वो अच्छा से आए। और यहाँ पे आपको ऑड इवन के पॉइंट ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, आपको दो पॉइंट ओपन करना है और ऑड इवन VGH और VGL को उस पर उठाकर दे देना है। देखिए ठीक सामने जो है APF VGH का ठीक इसके सामने हम लोग रेजिस्टेंस पे दे दिए और VGL के इस साइड से हम लोग लाकर 20R726 और R72 दरअसल R एक मिनट हाँ R728 पर दिए हैं। इसका VGH 28 पे हो गया 728 और उसका VGL 725 पर दिए हैं, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए पिक्चर देखना है, पिक्चर एकदम ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं कोई फ्लिकरिंग कोई ऑड इवन वाला। और थोड़ा सा इसके जो नीचे जो है लाइन उसी के भी थोड़ा थोड़ा हल्का शॉर्ट का इससे ग्राफ आएगा, लाइनिंग आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में रहने के लिए। अगर आप सबको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।